नंबर तीन, भाव नंबर तीन शनि की कारक एरिया, शनि कारक है भाव नंबर तीन का, तो शनि अगर कारक भाव नंबर तीन का, तो शनि जैसे कारकों में वृद्धि, क्या भाव नंबर तीन मैंने बोला उन्नति, ग्रोथ, प्रोफेशन, मान सम्मान यानी कि रिवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन, आजीविका, सोर्स ऑफ इनकम, सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं क्या बोलेंगे, हैप्पीनेस, क्या सुख सुविधाएं मतलब लग्जरी, फुलफिलमेंट, लग्जरी, कन्वीनियंसेस, फुलफिलमेंट, कन्वीनियंसेस, फुलफिलमेंट भी कह सकते हैं, कन्वीनियंस भी कह फुलफिलमेंट, सकते हैं। हाँ, प्रॉस्पेरिटी, फुलफिलमेंट, उद्योग, व्यापार, बिजनेस, बिजनेस में सफलता, सक्सेस इन बिजनेस, गुप्त शत्रु, एनिमी, सीक्रेट एनिमी, एक्सीडेंट्स, दुर्घटना, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति का वाद विवाद भी, यहाँ पे भी पैतृक संपत्ति जी आठवां शनि या पैतृक जुपिटर संपत्ति, का भी है ना, हाँ शनि भी पैतृक संपत्ति और वाद विवाद भी, पैतृक संपत्ति का वाद विवाद यानी कि मतलब झगड़ा, झगड़ा, लिटिगेशन, लिटिगेशन, रिकग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या रिकग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट, राज्य से सम्मान, गवर्नमेंट रिकॉग्निशंस, लीगल इश्यूज, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन में आ गया सर, लिटिगेशन में आ जाएगा, रोग, डिजीज, बीमारी, धार्मिक तीर्थ यात्राएं, धार्मिक बीमारी, बीमारी के बाद में क्या बोला उसके पहले, बीमारी के बाद बोला धार्मिक तीर्थ यात्राएं, विष मतलब पॉइजन, पॉइजन से मृत्यु यानी कि शरीर में मतलब वो बोलते हैं ना इन्फेक्शन हो पॉइसन, जाना, इन्फेक्शन हो जाना, इन्फेक्शन पॉइजन ही है, पॉइसनिंग इन्फेक्शंस, ठीक है। ये शनि के कारक है, इस भाव के तीसरे भाव के कारक हैं, यहाँ पे शनि के दोस्त होंगे तो इन कारकों का बेनिफिट पॉजिटिव होगा, शनि के यहाँ पे दुश्मन होंगे तो इनका बेनिफिट मतलब इनका भाव का जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। चंद्र मंगल, चंद्र मंगल सूर्य शनि केतु ये शत्रु कहलाते हैं, चंद्र मंगल सूर्य केतु शनि के दुश्मन कहलाते हैं, गुरु सम है, राहु बुध शुक्र शनि के दोस्त है, राहु बुध शुक्र शनि के दोस्त है, सूर्य चंद्रमा मंगल केतु शनि के दुश्मन कहलाते हैं और गुरु शनि का सम है। थैंक यू।